दो प्रस्ताव पारित हुए हैं। पहला प्रस्ताव असम में हुई हिंसा और उसके पश्चात दुर्भाग्य से संपूर्ण देश भर में हुए उग्र प्रदर्शन और बांग्लादेशी मुस्लिमों के द्वारा असम के क्षेत्र में जिस प्रकार से संस्कृति पर हमला हो रहा है, उनकी संस्कृति को आहत किया जा रहा है, उनकी जमीन और जंगल पर कब्जा किया जा रहा है, यह जो षड्यंत्र पूर्वक बांग्लादेश मुसलमान कर रहे हैं उसके बारे में शासन से यह मांग की है कि इस प्रकार के घुसपैठिए यह देश के नागरिक न बन जाएं, ये वोटर लिस्ट में इनके नाम आ गए हैं तो वो काटना चाहिए और आधार कार्ड ये न बनाएं और इन सबको वापस से इनके अपने देशों में भेजा जाना चाहिए, देश से बाहर निकालना चाहिए। और आज ये राहत शिविरों में रह रहे हैं, कहीं हमारी अनदेखी हुई और दुर्लक्ष हुआ तो ये वापस जमीन पर जाकर कब्जा न कर लें। इस प्रकार का यह प्रस्ताव है और समाज को प्रबोधन है कि हम हमारे थोड़ी सी असावधानी के कारण से संपूर्ण देश भर में फैले ऐसे घुसपैठियों को काम धंधा नहीं दें और यदि ऐसा हम देते हैं तो वो हम असंवैधानिक है, दंडनीय अपराध है और उससे भी आगे देशद्रोह है। ये सब लोग देश के लिए घातक है, इसलिए देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का आह्वान संपूर्ण देश से शासन से मोटा मोटा थोड़ा सा बता दें पिछले साल को।